गुड मॉर्निंग, मैं शिवाशीष सुमन, आप देख रहे हैं पीसीएस एकेडमी पटना। आज हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे, यानी कि उससे जुड़ा हुआ और भी शब्द आता है हवाला और कारण है, इसके बारे में लोग जानकारी लेंगे। ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के लिए भी और करेंट अफेयर के लिए भी, है ना। तो इसको बहुत अच्छा समझना है क्योंकि अभी मैटर बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो चुका है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि दिल्ली के माननीय सीएम केजरीवाल जी को ईडी के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है, पूछताछ जारी है, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ही किया गया है। उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि शराब घोटाला में उन्होंने कुछ पैसा का हेरफेर किया है। अभी आरोप कोर्ट के द्वारा तय नहीं किया गया है, है ना, पुष्टि नहीं हुआ, लेकिन जाँच चल रहा है इसका। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, हवाला क्या है, कालाधन क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। क्योंकि अगर एक सीएम को पूछताछ किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा चुका है, तो मैटर ऐसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको जानकारी में रखना चाहिए। चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग को समझने से पहले हम लोग कालाधन को समझते हैं। पहले कालाधन होता क्या है वो समझेंगे, फिर आगे हम लोग बात देखते हैं। देखिए, कालाधन जिसको ब्लैक मनी कहते हैं, कालाधन पहले ये समझते हैं हम लोग। कालाधन को काला से ही लिखते हैं, कालाधन या ब्लैक मनी, है ना। और एक है वाइट मनी, एक होता है वाइट मनी, इसको कहते हैं सफेद धन बोल सकते हैं, मतलब कि ईमानदारी का धन। काला धन मतलब भ्रष्टाचार का धन, ये ईमानदारी का धन। तो ब्लैक मनी क्या होता है, काला धन क्या होता है, ऐसा धन, एक बड़ा अमाउंट, छोटा मोटा धन, एक बड़ा अमाउंट जो सरकार की नज़र में नहीं हो, है ना, ऐसा धन जो सरकार की नज़र में नहीं हो, ठीक है। दूसरा बोल सकते हैं जिस पर टैक्स नहीं चुकाया गया, टैक्स नहीं चुकाया गया, सही बात, क्लियर। वो ऐसा धन जो सरकार की नज़र में नहीं है, उस पर टैक्स भी नहीं चुकाया गया है, और उसको छुपा के रखा गया है किसी भ्रष्टाचारी के द्वारा, ठीक है। देखिए दूसरा, व्हाइट मनी क्या है, वो ऐसा धन जो सरकार की नज़र में है, जिस पर टैक्स भी चुकाया गया है, तो डरने की कोई बात नहीं है। वो ऐसा धन सरकार नजर में हो, टैक्स भी चुकाया गया हो, क्लियर। एकदम सिंपल भाषा का प्रयोग किए हैं, कोई किताबी भाषा की जरूरत नहीं है। जैसे टैक्स भी चुकाया गया हो तो व्हाइट मनी है, तो जो व्हाइट मनी है, जो व्हाइट मनी कमाया, तो डरने का कोई तो जरूरत है नहीं, आराम से अपना उसका यूज कर सकता है, क्योंकि सरकार को टैक्स चुका चुका है, सरकार को भी पता है कि व्यक्ति के पास इतना धन है। मुद्दा काला धन का है ना, काला धन का। देखिए, तो ये काला धन कैसे बनता है, पहले ये थोड़ा समझ लेते थोड़ा सा। देखिए, दो तरीका से बन सकता है, पहला, इसका तरीका दो है, पहला एक हो जाएगा भ्रष्टाचार, टैक्स की चोरी, चोरी, ठीक है ना। तो बोलिए, टैक्स चोरी तो अपने आप में भ्रष्टाचार है, तो हाँ सही बात है, लेकिन समझाते भी, भ्रष्टाचार का मतलब कोई अधिकारी अपना पावर का गलत उपयोग करके रिश्वत के माध्यम से, वसूली के माध्यम से, किसी भी तरीके से धन इकट्ठा करता है ना, धन इकट्ठा करता है। आप रिश्वत के माध्यम से या वसूली के माध्यम से धन इकट्ठा कीजिएगा तो उस पर तो टैक्स भी आपको देने वाला नहीं बनेगा ना, देने जाइएगा तो सरकार पूछेगा ना, भाई तुम इतना पैसा कहाँ से पहले लाए, पहले ये बताओ, टैक्स तो हम लेंगे ही लेंगे, लेकिन पहले आपको सोच तो बताओ कहाँ से लाए हो, तो क्या बताइएगा कि भ्रष्टाचार करके लाए हैं, घूस कमा के लाए हैं, रिश्वत लिए हैं, और उसी काम आपको टैक्स दे रहे हैं, वो तो नहीं करेगा। यानी कि ये रिश्वत वगैरह हो जाएगा, रिश्वत बोल सकते हैं, रिश्वत वसूली, है ना,
जो बड़ा बड़ा ओहदा पर रहता है वो अपना पावर का बेजा इस्तेमाल करता है और इसके द्वारा पैसा कमा लेता अच्छा खासा, तो टैक्स भी नहीं दे सकता है। टैक्स की चोरी, टैक्स जो चोरी हो रहा है, जरूरी नहीं कि भ्रष्टाचार के माध्यम से ही हुआ हो, ईमानदारी से पैसा कमाया हुआ हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई भी सर्विस सेक्टर में काम करता है, सर्विस सेक्टर में काम करता है ना, ठीक है, तो कोई भी जैसे ट्रांसपोर्ट का काम हो सकता है, या फिर आपका होटल का काम हो सकता है, या फिर कुछ भी सर्विस सेक्टर का काम हो सकता है। तो मान लीजिए कोई आदमी सर्विस सेक्टर में काम करता है, यानी सेवा क्षेत्र में काम करता है ना, सेवा क्षेत्र में काम करता है, आई काम करके 100 करोड़ रुपया कमाया, मान लीजिए करोड़ कमाया, तो जो 100 करोड़ कमाया भ्रष्टाचार की कमाई नहीं है, ये इसका ओरिजिनल कमाई है, इसने काम किया है, मेहनत किया है, मेहनत से 100 करोड़ कमाया है। लेकिन होता क्या है कि सरकार का जो नीति है उसमें, जैसे कि देखिएगा GST 18% लग जाता है ना, बैंकिंग चार्ज जो बैंक से जो लेन देन होता है ना उससे 2% लग जाता है, बैंकिंग 2% लग जाता है चार्ज इनकम पर। ये कमाने का मतलब यहाँ पे इनकम बोल रहे हैं, इनकम, ठीक है ना, इनकम हम बात कर रहे हैं, GST 18%, बैंकिंग से 2% और टैक्स अलग से। आपको पता है कि 10 लाख से ऊपर रहेगा 30% टैक्स, यानी कुल कितना हो गया, कितना चुकाना पड़ जाएगा, 18, 2, 20, 20, 30, 50% यानी जो 100 करोड़ कमाया था, ये 100 करोड़ में से 50 करोड़ उसको टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, और ये जो 50 बचेगा वो उसका वाइट कमाई होगा। तो देने वाला अखरने लगता है, सोचता है कि 50 करोड़ हमको देना पड़ेगा, तो किसी तरह की से टैक्स का चोरी करो, तो टैक्स का चोरी करना भी एक भ्रष्टाचार है। लेकिन भ्रष्टाचार का दो रूप बता दिया आपको, एक कम्प्लीटली शुरू से ही भ्रष्टाचार है, एक होता है कि मेहनत से कमाए लेकिन बाद में फिर टैक्स में चोरी कर लिया, ठीक है ना। तो इसको ये हो गया आपका क्या, ब्लैक मनी, काला धन, काला धन, ये जो 100 करोड़ का काला धन हुआ इधर से मान लीजिए 200 करोड़ कमाया ये भ्रष्टाचार के माध्यम से, तो ये भी इसका काला धन। तो काला धन को आप समझ गए, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग समझेंगे क्या हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग, चलिए हम लोग देखते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है और हवाला क्या होता है, ये होने आने वाला परीक्षा में कभी ना कभी ये पूछेगा, क्योंकि बहुत बड़ा ही मुद्दा बन चुका है आज के समय में, चर्चा ही रोज हुई और इसका चर्चा हो रहा है। देखिए हम लोग हवाला देखते, हवाला होता क्या है, बड़ा ही सरल भाषा में समझेंगे, कोई इकोनॉमिकल या बुकिश लैंग्वेज में नहीं समझेंगे हम लोग, हवाला देखिए क्या होता है। अब ब्लैक मनी मान लीजिए कि ब्लैक मनी जो था 100 करोड़ का था, 100 करोड़ का काला धन था। अब तो जो भ्रष्टाचारी ये चाहेगा कि 100 करोड़ को हम किसी तरह से अपने हम बचाना चाहेगा, क्योंकि सरकार के नज़र में जैसे आएगा सब पूछताछ चालू हो जाएगा, सब जांच पड़ताल कर देगा कैसे क्या किए क्या नहीं किए, तो हमेशा भ्रष्टाचारी को डर लगा रहेगा कि 100 करोड़ को हम कैसे बचाएं तो ये जाएगा एक एजेंट होता है, इसको कहते हैं हवाला एजेंट। समझाते हवाला क्या होता है, पहले समझ जाइए। मान लीजिए इंडिया में 100 करोड़ है, इसका जो ब्लैक मनी 100 करोड़ है, ये मान ली कोई भ्रष्टाचारी है जिसका 100 करोड़ इंडिया में है ये जाएगा हवाला एजेंट के पास, हवाला एजेंट को बोलेगा कि मेरा 100 करोड़ को भारत से निकाल किसी और देश में पहुंचा दो तुम, है ना। हवाला एजेंट क्या करता है कि 100 करोड़ के बदले में कुछ परसेंट लेता है, चार्ज लेता है, 1%, 2%, 3%, जो जितना पर भी बात बन जाए, और उससे चार्ज लेता है, ठीक है ना। मान लीजिए इस व्यक्ति से हवाला एजेंट 100 करोड़ ले लिया, बोला हम पहुंचा देंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए कि ये दुबई है, दुबई मान लीजिए
या कुछ भी मान लीजिए, कोई कोई कंपनी मान लीजिए, है ना, कोई कंपनी नहीं, कोई कंट्री मान लीजिए, कोई दूसरा विदेश लिखी ना, विदेश है ना, यहाँ इसको पहुंचाने का काम मिला है। हवाला एजेंट बोला कि ठीक है तुम्हारा 100 करोड़ को हम इस देश में पहुंचा देंगे, बदले में हमको 2% दे देना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हवाला एजेंट से 100 करोड़ लेता है, उसको एक कोड देता है, उस आदमी को भ्रष्टाचारी जो रहता है उसको कोड देता है। मान लीजिए कोड क्या हो गया, कोड मान लीजिए XYZ है, XYZ बोला ये कोड है, 100 करोड़ दो, ये कोड लो, और ये कोड को दुबई या विदेश में जिस आदमी को तुमको 100 करोड़ रुपये दिलवाना है उस कोड को बता देना। ये कोड हवाला एजेंट, यहाँ भी हवाला एजेंट रहेगा, यहाँ भी हवाला एजेंट है, इसका तो पूरा लिंक बना हुआ है, नेक्सस बना हुआ है, मेरा आदमी को जाके कोड बताएगा, उसको 100 करोड़ मिल जाएगा। तो यहाँ से 100 करोड़ चला 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 और यहाँ पहुँच गया, पहुँचा दिया, यहाँ इस आदमी के पास गया, हुआ बताया कि मेरा कोड है XYZ, वेरीफाई किया, हवाला एजेंट इसको 100 करोड़ दे दिया, कंप्लीटली विश्वास पे चलता है ना, चाहे तो लेकर फरार हो जाए तो पता भी तो नहीं चलेगा, लेकिन विश्वास पे चलता है यह। तो हवाला एजेंट क्या किया, इसका पैसा सीधे पहुंचा दिया, ठीक है इसको तो 100 करोड़ मिल गया, यहाँ पर ही अपना 100 करोड़ इसको मिल गया, यानी कि आप देश से 100 करोड़ बाहर निकल गया, दूसरा देश में जा चुका है, ठीक है। अब बात को समझिए, हवाला एजेंट क्या करता है कि अब इसका टेंशन है, हवाला एजेंट का टेंशन है कैसे मूवमेंट करेगा, इसको पैसा चाहिए था, यहाँ इसको पैसा मिल गया, ठीक है। हवाला एजेंट क्या करता है कि यहाँ से पैसा 100 करोड़ जब निकला तो इसको मान लीजिए नेपाल ले गया, भूटान ले गया, फिर कोई और देश ले गया, ट्रांजेक्शन किया, फिर बीच में क्या हुआ, पूरा कैश को निकाल लिया, मतलब बैंक के थ्रू पहले भूटान भेजा, फिर नेपाल भेजा, फिर मान लीजिए सिंगापुर भेजा, और फिर क्या किया, पूरा कैश को बाहर निकाल लिया। तो पुलिस जाँच भी करेगा, ED जाँच भी करेगा, तो लिंक देखेगा तो कहाँ तक, सिंगापुर तक, उसका कैश ही निकाल लिया, फिर कैश निकाल के किसी और देश का बैंक में डाला, फिर दूसरा बैंक में डाला, तीसरा बैंक में डाला, फिर बीच में कैश निकाल लिया, फिर डाला, फिर कैश बीच में निकाल लिया, लास्ट में जाकर यहाँ पर पहुँचवा देता है। तो लिंक पकड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बीच बीच में जब कैश निकल जाता है तो फिर लिंक टूट जाता है, पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ये हवाला एजेंट इसी का फायदा उठाकर क्या करता है, एक देश से दूसरे देश में पैसा पहुँचा देता है। ऐसे हवाला के बारे में आप जान लीजिए कि पुराना जमाना में काम होता था हवाला। हवाला पुराना जमाना में क्या काम होता था, जैसे समुद्र का व्यापार होता था ना, यहाँ है एक देश है, यहाँ एक देश है, बीच में समुद्र है, तो जब व्यापारी निकलता था समुद्र का व्यापार, समुद्र से व्यापार करने के लिए, तो अपने साथ कैश लेके नहीं चलता था। कैश लेके इसलिए नहीं चलता था कि बीच में समुद्री लुटेरा कहीं उसका कैश ही न लूट ले, या फिर रास्ता रास्ता भी व्यापार करता था तो बीच में कहीं कैश लुटाने जाए, इसलिए वो हुंडी या फिर लिखित में पत्र टाइप का रहता है, लिखित में पत्र रहता है कि आप आपको इतना सामान दे दीजिए, आपको हम मान लीजिए कि 500 रुपया या 5000 रुपया का हम हुंडी काट दे रहे हैं, आप जब मेरा देश में आइएगा तो आपको पैसा मिल जाएगा, या फिर मेरा ही एजेंट यहाँ पर जो रहेगा वह जाकर अपना मेरा कागज दिखाइएगा, वो आपको कैश दे देगा। तो ये पहले जमाना में होता था, ठीक है ना, लेकिन अब ये हवाला का कारोबार देश में बंद है, हवाला का कारोबार देश में भी बंद है, ठीक है। यहाँ तो बात समझ गए हम लोग कि हवाला जो था पैसा को अपना देश से दूसरा देश में ट्रांसफर करने का एक तरकीब है, सिंपल भाषा में पैसा को अपने देश से दूसरा देश में ट्रांसफर करने का एक तरकीब है, इसके लिए कुछ एजेंट काम करता है और उसी से पैसा भेज दिया जाता है, ये हो गया हवाला। अब क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है वो समझते हैं। अब मान लीजिए यहाँ से पैसा हमको पहुंच गया है, अब यहाँ का जो आदमी उसको फिर पैसा चाहिए, ये वाला पैसा चाहिए, तभी तो कमाया है तो इसको तो चाहिए ही, चाहे जैसे भी कमाए। तो ये पैसा क्या होता है, अब यहाँ से चला अपना देश भारत, फिर से मान ली कोई फर्जी कंपनी है, दो चार फर्जी कंपनी है, उसमें जाके ये पैसा इन्वेस्ट कर दिया। देखिए क्या होता है, एक FDI होता है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ये 100 करोड़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI के थ्रू देश का किसी सेल कंपनी में, यानी कि फर्जी कंपनी में क्या हुआ, इन्वेस्ट कर दिया गया, उसका शेयर खरीद लिया और उस शेयर के माध्यम से ये पैसा इसमें डाल दिया गया। अब FDI का नियम ये है कि भारत सरकार FDI पर 0% टैक्स लेता है, 0% टैक्स लेता है। तो 0% टैक्स क्यों लेता है, क्योंकि विदेशी लोग जब भारत में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो भारत का अर्थव्यवस्था में विकास होगा, भारत का कंपनी विकसित होगा, भारत में रोजगार का सृजन होगा,
इसलिए FDI को बढ़ावा देने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए आइए मेरा देश में इन्वेस्टमेंट कीजिए। इसके लिए अगर आप इन्वेस्ट कीजिएगा मेरे देश में तो आप पर हम टैक्स नहीं लेंगे। तो ये जो काला धन गया था हवाला के माध्यम से किसी दूसरा देश में, वो अब FDI के माध्यम से भारतीय किसी फर्जी कंपनी में, किसी कंपनी में क्या हुआ, इन्वेस्ट कर दिया गया FDI के माध्यम से। और इस तरह से जो जो काम किया जाता है, जो तरकीब निकाला जाता है FDI वाला तरकीब, इसको कहते हैं क्या, मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, इसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है, लॉन्ड्री का मतलब होता है कपड़ा धुलना, है ना। हम लोग कपड़ा धुलने के लिए बेचते हैं लॉन्ड्री में, बोलते हैं ना कपड़ा धुलवा दो लॉन्ड्री में, तो गंदा कपड़ा कोई धोते हैं, साफ कपड़ा को तो धोते नहीं है। तो जो ब्लैक मनी था, ये गंदा मनी था, ब्लैक मनी था, उसको उसको लॉन्ड्री में भेज दिया, नहीं FDI का लॉन्ड्री में भेज दिया। FDI के माध्यम से साफ सुथरा कर देते हैं, इसको अपने देश में भेज देते हैं। अब यहाँ पैसा आ गया, अब इस पैसा जो FDI के माध्यम से आया है उसको फिर अब तो दिखा देगा कि तो FDI के माध्यम से आया है ये 100 करोड़। पहले तो बता नहीं सकता था कि 100 करोड़ का हिसाब किताब क्या है, लेकिन अब बता देगा कि बाहर से आया है 100 करोड़। अब कुछ मुश्किल हो जाता है। तो इसी को रोकने के लिए, इसी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए और पकड़ने के लिए कानून आया PMLA, यानी 2002 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है, कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। प्रिवेंशन का मतलब रोकना होता है, रोकथाम होता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकथाम करने के लिए एक एक्ट आया PMLA एक्ट, इसको कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके तहत इस टाइप के कारोबार को पकड़ा जाता है। पकड़ने पर बड़ा ही कठोर सजा दिया जाता है, है ना, पकड़ने पर बहुत ही कठोर सजा होता है। इसका सजा बड़ा ही, इसका जो नियम कानून बड़ा ही अलग टाइप का है, दूसरा कानून से बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। तो वर्तमान में ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का हमेशा न्यूज में चर्चा चल रहा है, तो इसको आप जान लीजिए। बड़ा ही सरल तरीका से समझाने का प्रयास किए हैं और बस इतना ही, इसमें कुछ विशेष तो है नहीं और समझाने के लिए। तो फिर ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।